यहाँ पे देख सकते हो ये जो दुकान है ये तबला बाग का दुकान ही है। हमें कितना है हत हत बस अच्छे भाई जो 20 रुपये है वो मिला क्या गया घर में। इधर कांग्रेस का मीटिंग चल रहा है और उधर एमएनएफ जॉय को आ रहा है। तो गाइस ये जो है ये बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश और ये है इंडिया। पार्टी करेगा पार्टी तो बात है ना। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो। जो आप लोग देख रहे हो ये बैकग्राउंड है ये सिलखुर का विलेज है। तो मैं जा रहा हूँ अभी तबला बाग में, तो तबला बाग में जाके मतलब तबला बाग को पूरा एक्सप्लोर करूँगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा तबला बाग जो है वो कैसे देखते हैं, और साथ साथ जो भी इंटरेस्टिंग होगा वो आप लोग मिल जाएगा देखने को। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पे बने रहिए गाइस, तो आप लोग देख सकते हो। तो बहुत सारा लोग मतलब जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो गांव है ये सिलखुर का सिलखुर है, जो सिलखुर तो ये तो पुराना नाम बोलते हैं वो पुराना वाला गांव। नया गांव जो है वो हाईवे का तरफ बना है, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं भी जा रहा हूँ इन लोग के साथ, ये पूरा तबला बाग जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, तो आप लोग देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो है ये बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश और ये है इंडिया। तो आप लोग देख सकते हो ये रिवर जो है ये मिडिल में, मतलब ये रिवर जो है ये बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश और इंडिया। ये जो बोट देख रहे हो बड़ा बड़ा ये बांग्लादेश बोट है। तो हम लोग इधर में रुका है तो पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तबला बाग तो वो दूर है, तो पेट्रोल इस ले रहा है अभी, तो पेट्रोल तो ले लिया। तो अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो ये जो गांव देख रहे हो ये बिंदेश्वरा है, तो यहाँ पे अभी नहीं रुकेंगे, तो बाद में जब मैं इस गांव में आऊँगा तो ये गांव पूरा एक्सप्लोर करूँगा एक बार। तो अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट जा रहा है मतलब तबला बाग तक, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। इसका नाम है बिंदेश्वरा। तो ये गांव भी बड़ा है थोड़ा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लगभग 400 परिवार ऐसा जैसा होगा, 400 या 300 समथिंग। तो ये जो देख रहे हो ये बांग्लादेश का बोट है, ये सामने में जो ब्लैक कलर का है ये बांग्लादेश जा रहा है, तो ये इंडिया का। तो इस साइड जो है ये बांग्लादेश, तो इस राइट साइड में जो है ये इंडिया है। गाइस ये जो तबला बाग है हम लोग पहुंच गए तबला बाग में, तो आप लोग देख सकते हो जो बोट का ऊपर से मतलब बोट का ऊपर से कैसे देखते हैं तबला बाग। और मैं उधर में जाके पूरा दिखाऊंगा आप लोग को जितना हो सके। तो वीडियो को मतलब एंड तक देखना, तो आप लोग नया नया चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो मैं पूरा वहाँ पर पूरा दिखाऊँगा आप लोग। तो गाइस उधर में देख सकते हो जो MLA जो प्रभात चकमा है वो भी MNF कैंडिडेट है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो उसी से वहाँ से मतलब तबला बाग जो है उसी से शुरू होता है, जो लेक्चर दे रहा है प्रभा मैडम का वो वगैरह। तो इस तरफ जाएंगे हम लोग गांव का तरफ। तो ये जो दोस्त है तो इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो गांव को पूरा जितना हो सके एक्सप्लोर करेंगे। तो ये दोस्त है मेरा,
नाम है ना मिशन, हाँ मिशन है इसका नाम। तो ये देवा इंडिया का सवाल दही लांगे का इंट्रोड्यूस कर। हेलो, मेरा नाम सुमन है। हाँ, आप लोग कैसे हैं? इट्स मी मिस्टर बिग ऑल फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आप लोग देख सकते हो ये जो दोस्त है अभी अभी आया है, ये लोग भी मौसम अच्छा चल रहा है। हाँ, मौसम अच्छा चल रहा है और गर्मी भी बहुत है इधर में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बोट है, तो उस तरफ जो है वो बांग्लादेश है, जो इस तरफ जो है इंडिया है। तो हम लोग जाएंगे उस तरफ। तो आप लोग यहाँ का घर भी देख सकते हो, जो पूरा मतलब बेम्बू से बनाया हुआ है। जो आप लोग किसी भी गांव में जाएगा, तो चकमा गांव में आप लोग जाओगे तो इसी का इस तरफ जो है घर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जाते हैं इस तरफ अभी। ये है मेरा दोस्त मोना है इसका नाम, जो पिछले मतलब उसका गांव में एक्सप्लोर करने के लिए एक बार इसको फ़ोन किया था, तो बिजी था इसलिए कर नहीं पाया। तो जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तब, तो ये जब फ्री होगा ये भी तो किचन, एक बार किचन बना रहा था ना हम लोग। हाँ, इसलिए फ्री नहीं था। किचन बना रहा था और घर भी रिपेयर, घर भी बनाया था नया घर। तो जब ये फ्री होगा तब जाएंगे उसमें नंसूर ऋतु में, तब एक्सप्लोर करेंगे, है ना। गाँव दिखाना है। हाँ। पार्टी करेगा। पार्टी तो बनता है ना। हाँ, पार्टी तो बनता है जब हम लोग मिल जाते हैं, पार्टी तो एक बनता है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो है हम लोग अभी तपलबाग में ही है, जो तपलबाग लाभों से 5 किलोमीटर होता है लगभग, तीस पैंतीस किलोमीटर हुआ लगभग। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप लोग भी आ सकते हो इधर में, आके थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या रहा है दिखाओ। हाँ, अंदर क्या है। तो सामने में देख सकते हो, ये बाजार है तपलबाग का, पता है क्या? हाँ, ये बाजार है, मैंने बहुत बार आया था तपलबाग में। वो यहाँ पे जो है ये शनिवार को होमवार होता है बाजार, शुक्रवार ना एनी टाइम चलते है। तो सुबह में एनी टाइम चलता है बाजार। बाजार तो यहाँ पे मतलब पूरा बाजार ही होता है। तो उस तरफ जो है फील है, वो फील भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी कीजिए। लाइक कीजिए दोस्त लोग, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो दुकान है, ये तपलबाग का दुकान ही है। तो यहाँ पे अभी सब्जी बेच रहे हैं, तो आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या बेच रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये प्याज आलू और वेजिटेबल जो है आप लोग देख सकते हो। हिंदी बता दी मैं बोलो जोरन शाक, जो हम लोग का लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, हम लोग जोरन शाक भी बोलते हैं, बोरोना शाक भी बोलते हैं। तो आंटी को पूछूंगा मैं कितना है, हदक बेच भाई नहीं, जो 20 रुपये है। तो देख सकते हो, तो इस तरफ भी मतलब हो रहा है, कैंपिंग हो रहा है। तो ये वीडियो जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ मैं आके मतलब वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ जो तपलबाग का गांव है वो कैसे देखते हैं। पता भी नहीं था इस तरह एक पार्टी चल रहा है। हाँ, हम लोग इस तरह एक पार्टी चल रहा है। हाँ, एक दिन में दो ही पार्टी का मीटिंग चल रहा है एक ही जगह में। तो हम लोग जो है फ्री बोट में आया है मैं, तो फ्री बोट मिला इसलिए आ गया, घर में भी कुछ काम नहीं था। तो ये जो देख रहे हो ये तपलबाग का मंदिर है, जो बुद्धिस्ट का मंदिर है। तो आप लोग ये गेरा जो है इसका वजह से मतलब देख नहीं पा रहे अच्छे से, तो वो इधर में पूरा मंदिर है। तो गेट कहाँ पे, गेट वहाँ पे होगा शायद, हाँ जो बीच में है। ये जो है ये फील्ड है, फुटबॉल का ग्राउंड है। तो ये फुटबॉल का ग्राउंड जस्ट अपोजिट है मंदिर, मतलब भूत का मंदिर। तो देख सकते हो आप लोग। हाँ, अंदर चल के देखते हैं अभी क्या है। तो अभी अंदर जाते हैं। तो ये देखो गाइस, व्यू जो है पूरा अच्छा दिख रहा है। ये पहले बार है मेरा इधर मंदिर में। हाँ, मेरे को भी पहली बार है मंदिर में, मतलब घुसना पहली बार है। ये जो भैया है ये साफ सफाई कर रहा है मंदिर को, जो आप लोग देख लो। ग्राउंड भी अच्छा है, पूरा ग्रास है। जो बच्चा देख रहा है उधर में वो फुटबॉल खेल रहा है, तीन बच्चा। स्कूल भी चलता है, स्कूल आना होता है।
और यहाँ पे स्कूल भी है, स्कूल उस तरफ है तो उस तरफ नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये जो मूर्ति है इसको दिखाता हूँ मैं अच्छा से, तो आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए। वो तपलोबा का मंदिर जो है वो बहुत बड़ा है, तो मतलब लेंथ और ब्रेथ जो भी है वो बहुत बड़ा है, तो देख लीजिए आप लोग। इधर कांग्रेस का मीटिंग चल रहा है और उधर एमएनएफ जॉय करके आ रहा है इसे। जो कुछ हलचल, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा है इधर। ये दोस्त बोल रहा है इधर में जो कांग्रेस का मतलब कैंपिंग हो रहा है और एमएनएफ जो है वो उधर से आ रहा है। तो देखिए गाइस पूरा आसपास जो है, तो देखिए गाइस, देखिए तो आप लोग को दिखाता हूँ पूरा जो है। तो आप लोग देखिए ये जो एमएनएफ पार्टी है ये वहाँ से आ रहा है, जो कांग्रेस है वहाँ पे जा रहा है, मतलब ये देखिए। हाँ आमने सामने हो गया कांग्रेस और एमएनएफ पूरा आमने सामने। यहाँ पे जो आप लोग देखने को मिल रहा है वो जो है पार्टी, दो पार्टी मतलब एक ही जगह में मतलब कैंपिंग हो रहा है। जो इधर पे देख रहे हो एमएनएफ जो है तो पूरा माइक से मतलब क्या क्या पार्टी का नाम से, और इस साइड में आप लोग देखने को मिल रहा है तो कांग्रेस का पार्टी है इसका, जो यहाँ पे मतलब आप लोग मतलब देख सकते हो पूरा दोनों पार्टी एक ही जगह में मतलब कैंपिंग, तो आप लोग देख सकते हो गाइस। तो माइक इतना खराब होने से भी आप लोग अच्छा से मतलब जितना हो सके मैं अच्छा मतलब बना रहा हूँ, जितना हो सके आवाज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटा छोटा आवाज़ में मतलब सुना नहीं देगा शायद, इसलिए मैं बड़ा बड़ा आवाज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो ये जो है ये फुटबॉल का ग्राउंड है इसी का फील्ड का, तो आप लोग देख सकते हो गांव जो है, तो इस तरह भी पूरा गांव है। ये हम लोग का लोकल मतलब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ऐसे रहते, तो आप लोग को मैं धीरे पूरा ऐसे देखो सिंपलिन भी है इधर में, और सिंपलिन से मतलब पूरा घर का ऊपर में देता है, वो बहुत गरीब है इधर पे नॉर्थ ईस्ट में। तो एक बार आके आप लोग एक्सप्लोर कीजिए गांव को, तो इस साइड में भी गाँव है पूरा, तो इस साइड में मतलब BOP कैम्प जो है वो BSF का कैम्प जो है तो इस साइड में है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं इस तरफ जो कि मतलब अभी अभी गया है, मेरा दोस्त भी गया अभी अभी इस तरफ, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो ये जो गांव है तो आप लोग देख सकते हो ये गांव को, तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए आप लोग बाद में, तो अच्छा है। गर्मी में मत आइए, जब ठंडा होता है दिसंबर में या नवम्बर में आप लोग यहाँ पर आके मतलब विजिट कर सकते हो। जो आप लोग देख रहे हो ये गाँव जो है पूरा पेड़ पौधे भी ये बहुत है, मतलब फ्रूट का मतलब पेड़ बहुत है इधर में, तो आप लोग देख सकते हो पूरा, तो बहुत अजीब मतलब सोचा नहीं था दोनों पार्टी एक साथ में मतलब देखने को मिलेगा, तो फाइनली जो है वो मिल गया मैं। तो इस साइड में जाता हूँ, तो इस साइड जाके देखता हूँ गाँव कितना मतलब कितना दूर है, मतलब गाँव कितना है घर, आप लोग को सामने में जो है वो दिखाता हूँ सामने का व्यू। और देखिए गाइस ये घर जो है पूरा रास्ता थोड़ा छोटा है, फिर भी मतलब अच्छा है रोड, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। देखिए जो पूरा मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हो इधर में उस पास में, तो घर जो है इधर में बगीचा वगैरह घर वगैरह जो है आप लोग देख सकते हो,
और ट्राइबल लोग मिजोरम में कैसे, मतलब घर का डिज़ाइन कैसे है, घर का डिज़ाइन क्या है और घर को मतलब कैसे बनाता है, क्या इस्तेमाल करता है, बिल्डिंग है या मतलब टेम्प्रोरी है, तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इस तरफ से आया मैंने, तो गांव जो है वहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद है मतलब बीएसएफ का कैंप, तो यहाँ तक आए, यहाँ तक रुकेंगे, उसके बाद बैक जाएंगे यहाँ में। गाइस जिस तरफ से आया हूँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, तो क्योंकि गांव जो है वो उधर से उधर में ख़त्म हो गया, तो इस तरफ में जाता हूँ। और तो तबलोबाग जो है वो दो तीन हिस्सों से मतलब डिवाइडेड है, जो कि लामताई एक है वो उस साइड में है पूरा, और ये जो मेन तबलोबाग से मतलब थोड़ा एक दो किलोमीटर दूर है, तो यही है। और कोई कोई लोग पेंशन का बाहर में रहता है और कोई कोई लोग पेंशन का अंदर में रहता है। तो पानी पियेंगे थोड़ा, और प्यास भी लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, जो कि मतलब बहुत, अगर मेरे को छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस मेरा मन था कि पूरा गांव जो है वो पूरा एक्सप्लोर करके अच्छा से मतलब दिखाने का मन था, तो जितना हो सके मैंने दिखाया है गाँव को। तो आप लोग देख ही पा रहे हो इधर में जो लोग हैं, जो लोग भी है और घर भी है, आप लोग देख सकते हो कैसे बनाए हुए घर है यहाँ पे। तो मेरा दोस्त जो है वो सब चले गया उधर में, तो हम भी जा रहे हैं उसी पे। तो गांव जो है वो पूरा उस साइड में पूरा दिखा लिया आप लोग को, तो वहाँ से शुरू होता है, आप लोग को पहले बताया था मैंने। तो यही है मतलब तबलोबाग का गांव कैसे देखते हैं। तो आप लोग आइए, आके मतलब अच्छा से एक्सपीरियंस कीजिए ये वीडियो से, मतलब वीडियो से और रियल लाइफ से थोड़ा फर्क है। हेलो हेलो कैसे हो जी? हां कैसे होंगे आना जी। तो अभी जो है अभी कैंपिंग ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे मतलब अभी मीटिंग होगा शायद, तो मीटिंग के बाद जाएंगे पूरा गांव में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो दोस्त को मैंने बोला है, जो नूनसूरी टू का एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सोचा था वही होगा शायद। सर ये भैया भी आया है। मैं भी आया हूँ। इस बार एमएनएफ जीतेगा। हमारा पक्का जीतना है भाई। हाँ जीतना है। हो गया। तो आप लोग देखिए गाइस गांव को देखिए पूरा, ये पूरा बेम्बू है, पूरा बेम्बू से बनाया हुआ घर है पूरा। तो एक भी मतलब बिल्डिंग देखने को नहीं मिला होगा आप लोग को, पूरा बेम्बू और टाइल से। जो बिल्डिंग देखा होगा फिर भी सिर्फ पोस्ट ही होगा, तो बाकी तो पूरा टाइल से या लकड़ी से बना हुआ घर ही है इधर पे। तो यही है गाइस गांव। तो गाइस एक्सप्लोर ख़त्म हो गया, जो आप लोग को मैंने दिखाया था तबलोबाग का विलेज, जो कि आप लोग वीडियो में देखा होगा। तो अभी बोध का अंदर में है, तो बाहर में थोड़ा गर्मी है इसलिए बोध का अंदर में आया है, और बाहर में थोड़ा मतलब हल्ला है, तो लेक्चर वगैरह जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे आके मतलब मेरे को दो पार्टी मतलब एक साथ देखा है, जो कांग्रेस और एमएनएफ। तो मैं यहाँ पे मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, जस्ट मतलब मैं आया हूँ कि तबलोबाग गांव जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो गाइस आप लोग जो यहाँ पे मतलब वॉइस आ रहा होगा, तो बैकग्राउंड में जो अभी लेक्चर दे रहा है, तो ये बोर्ड जो है जाएगा, मतलब लेक्चर ख़त्म होते ही ये बोर्ड जो है वो जाएगा। तो तब तक के लिए गाइस यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे रोक देता हूँ, तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, शांति रहो मतलब। तो वीडियो से वीडियो को ख़त्म करने पहले मतलब एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो गाइस मिलते हैं कल नया ब्लॉग नया वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।